गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो हम प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो अगर गलत कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे 3:2:1 दे रखी है तो उसको इक्वली बांट दिया, ठीक है, गलती से, तो हम इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। आज हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स दे डिवाइडेड द प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,80,000 इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए ₹5,000, ₹6,000 और ₹4,000, सैलरी टू एक्स ₹10,000, कमीशन टू जेड ₹5,000 पास जर्नल एंट्री। अब इसमें देखो हमारी गलती क्या क्या हुई है, जो 3:2:1 में हमें अपना प्रॉफिट बांटना था वो हमने किस में बांट दिया, इक्वली बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए एक्स को और कमीशन देना भूल गए जेड को, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, वर्किंग नोट बनाते थे, ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाएंगे एक्स वाई और जेड का। फिर उसके बाद जो 1,80,000 है हम उनको 1:1:1 यानी कि इक्वली दे देंगे, दे के और फिर वापस ले लेते थे। कल हमने बताया था ना कि हमने जैसे कि 6 चॉकलेट और 2 चॉकलेट देनी थी, लेकिन उनको 4 चॉकलेट जो है वो दे दी थी और फिर हमने वापस ली, और वापस लेके फिर 6:2 में हमने वापस दे दी थी, ठीक है। तो हमने इस तरह अपना क्वेश्चन किया था कल, ठीक है, तो यानी कि हमने वापस लिए इसे, तो ये डेबिट कर दिया 60,000, 60,000 और 60,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे यानी कि हम दे देंगे, तो ये आएगा 5,000, 6,000 और 4,000। सैलरी देना भूल गए थे इसको एक्स को, तो क्रेडिट कर देंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन देना भूल गए जेड को 5,000, ठीक है, ये क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो है ये जो हमने अभी किया कैलकुलेट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या आएगा, 1,50,000 आएगा, 1,50,000 क्यों आएगा, देखो मान लो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का था, प्रॉफिट था 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 का था, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की हुई, 5 और 6 11, 11 और 4 15, ठीक है, 15,000 की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और सैलरी दे देंगे एक्स की 10,000, ठीक है, ये एक्स की सैलरी दे दी। उसके बाद कमीशन दे दिया कितना, 5,000 का, ठीक है। ये सब देने के बाद इसमें से हम जब प्रॉफिट निकालेंगे यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट निकालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट आएगा, अब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा 1,50,000, ठीक है। तो यानी कि आपको ये जो 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आएगा 1,50,000, ये करेंगे हम 3:2:1 की उसमें इनको दे देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 75,000, 50,000 और 25,000, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 30,000, ये प्लस का, ठीक है, यानी कि अब हमें उसको कितने वापस लिए, डेबिट कितना किया 60,000, ठीक है, और देने कितने थे, अब इसको आपको कैलकुलेट करना, और आपको क्रेडिट में आएंगे 30,000, डेबिट में आएंगे इसके 4,000 और इसका डेबिट आएगा 2,600, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे हम, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
अकाउंट, ठीक है। तो वाई के कितने रुपए हैं, 4000, और जेड के हमारे 2600, ठीक है। और जो एक्स है उसके आएंगे 3000, ठीक है। तो हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड है 3:2:1 पार्टनर्स, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट्स विदाउट प्रोवाइडिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6800 और 6000, ठीक है। सैलरी टू एक्स 4000, कमीशन टू जेड 8000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 3000, 9000 और 8000, पांच जनरल एंट्रीज। अब इसमें देखो, हमें ये नहीं दे रखा कि जो 3:2:1 में प्रॉफिट हमें बांटना था वो भाई इक्वली बांट दिया, कैसे बांट दिया, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम इसको जो है अभी नहीं देखेंगे, जो जो हम देना भूल गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना भूल गए, सैलरी एक्स को देना भूल गए, कमीशन जेड को देना भूल गए, एक तो ये एंट्री करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हम उनसे लेना भूल गए, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें उनसे लेनी है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और सैलरी देनी है और कमीशन देना, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें क्या करनी है, लेनी है। यानी कि हमारी इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आ गई है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते थे हम 6000, 8000 और 6000, उसके बाद सैलरी क्रेडिट करेंगे 4000 एक्स की, और कमीशन क्रेडिट करेंगे जेड की है 8000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें लेना है तो डेबिट करेंगे तो 3000, 9000 और 8000, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखो क्या करना है, अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट इस, अब हमारे पास देखो एक तो डेबिट है, यहाँ देखो इधर दिखेगा, एक तो डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे डेबिट है उनका टोटल और जो हमारे क्रेडिट है उनका टोटल, ठीक है। तो जितने भी हमारी क्रेडिट की टर्म है जैसे 6, 8 और 6, 4, 8, ठीक है, तो इनको मिला के हमारा टोटल कितना हो जाता है, 6 और 8, 14000, 14 और 6, 20, 20 और 4, 24 और 8, 32, यानी कि जो हमारा क्रेडिट का बैलेंस है वो कितना है, 32000, ठीक है। अब हमें देखना है जो हमारा डेबिट का बैलेंस है, अगर आप डेबिट का बैलेंस करते हो, ठीक है, अगर आप डेबिट का बैलेंस करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम वापस लेनी है, तो डेबिट का बैलेंस कितना आएगा, 3000 और 9000, 9 और 3, 12, 12 और 8, 20000, यानी हमारा डेबिट का बैलेंस कितना है, 20000। अब हमें ये देखना है कि किसका बैलेंस कम है, देखो किसका बैलेंस कम है, बैलेंस हमारे डेबिट साइड का कम है, कितना कम है, 12000। तो हमारा जिसका जिस भी साइड का बैलेंस कम है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमारा डेबिट साइड का 12000 बैलेंस कम है तो हमने इसको इधर रखा और डेबिट साइड में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 12000 को हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, मतलब कि बांटेंगे, ठीक है। तो जो हम यहाँ करते थे, जो 1:1 में बांटते थे, फिर यहाँ पे बांटते थे, हमें इसमें देखो कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ इसमें डेबिट और क्रेडिट को देखना, जिसका बैलेंस कम है उसको हम ये यहाँ रखना है जितना बैलेंस कम है, और यहाँ जो अगर क्रेडिट का कम है तो क्रेडिट रख दो, डेबिट कम है तो डेबिट रख दो, ठीक है। तो ये था हमारा, अब ये 12000 हम डिवाइड बांटेंगे तो 6000 एक्स का, 4000 वाई का और 2000 जेड का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है 1000 ये क्रेडिट की आएगी, 5000 डेबिट की आएगी और 4000 क्रेडिट की आएगी, ठीक है। तो देखो वाइज कैपिटल अकाउंट 5000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 4000, ठीक है। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपने चैप्टर जो है उसमें से इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, थैंक यू।